हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं हुंडई सेंट्रो। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। ये हमारे पास हुंडई सेंट्रो का स्पोर्ट्स वेरिएंट जो कि सीएनजी के साथ आता है। तो ये कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ हमें देखने को मिलती है। इसके तीन वेरियंट के अंदर सीएनजी कंपनी ने प्रोवाइड करी है। तो बात करें सबसे पहले इसके फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड में इसमें हमें कंपनी ने हैलोजन हेडलाइट सेटअप दिया है, जिसके साथ यहाँ पर हमें इंडिकेटर बल्ब के अंदर दिया गया है। बीच में हुंडई का लोगो और सेम हेडलाइट हमें सामने की तरफ देखने को मिलती है। वहीं इस वेरिएंट में हमें नीचे की तरफ हैलोजन के फॉग लैंप भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि कुछ इस तरह से लुक में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं फॉग लैंप के नीचे हमें कंपनी ने यहाँ पर ब्लैक कलर किए प्लेटिंग और इसके ऊपर क्रोम कलर किए दोनों ही तरफ वर्क देखने को मिलता है, जो कि इसको एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। और वहीं हम इसकी ग्रिल की बात करें तो ग्रिल के अंदर भी हमें ये क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, जो कि इसके लिप के ऊपर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और वहीं पर सामने नंबर प्लेट की जगह है और ब्लैक कलर में हमें इसकी ग्रिल कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। ये हमारा बोनट और सामने से कुछ इस तरीके की प्रोफाइल हमें हुंडई सेंट्रो की देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो ये गाड़ी हमको 1645 mm की विड्थ के साथ मिलती है। तो इसकी इस साइड से लेके और इस साइड तक की विड्थ पूरी की पूरी हमें 1645 mm की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी और चौड़ी गाड़ी है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले इसके में हमें 3610 3610 mm की विड्थ देखने को मिलती है। और इसके व्हील बेस की बात करें तो ये 2400 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी स्पेस इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड कर देगा। और वहीं पे डोर के ऊपर हमें ये क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो कि ब्लैक कलर के साथ आती है। और वहीं पर इसके डोर हैंडल की बात करें तो थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है, तो यहाँ पर भी हमें क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है चारों ही डोर हैंडल के अंदर। इसके ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। और साथ में इसके ऊपर हमें ये छोटी सी स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो कि इंडिकेटर की स्ट्रिप हमें दी गई है। और वहीं पे इसकी पूरी की पूरी डोर लाइन पे हमें क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक हुंडई ने प्रोवाइड किया है। अब तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप इसको लेना चाहें तो ईजिली ले सकते हैं। वहीं इस साइड हमें इसका ये फ्यूल फिलर देखने को मिलता है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर हमें 60 लीटर फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, तो आप इसमें 60 लीटर फ्यूल डलवा सकते हैं। और वहीं पे इसमें हमें सीएनजी का सिलेंडर भी देखने को मिलता है। अब इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ हमें 165/70 R14, तो 14 इंच के टायर इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्टील रिम इसमें दिए हैं। और कंपनी इसमें हमें व्हील कवर भी प्रोवाइड करा देती है। अब बात करें इस गाड़ी के रियर से, तो कुछ इस तरीके की लुक इस गाड़ी में हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ऊपर आप बैक शील्ड पे देख सकते हैं यहाँ पर सीएनजी का लोगो, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है। और वहीं पे इसके अंदर हमें डिफोगर देखने को मिलता है। कंपनी ने वाइपर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन डिफोगर हमें कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया है। और आगे बात करें तो बीच में हमें ये हुंडई का लोगो और वहीं पर इस साइड हमें सेंटर लिखा हुआ मिलता है, और इस साइड स्पोर्ट्स की बैजिंग, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मॉडल है। और वहीं पर इसकी टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, जो कि बल्ब बेसी है। यहाँ पर हमें टेल लाइट, यहाँ पर इंडिकेटर और यहाँ पर बैक लाइट हमें देखने को मिलती है। और इसके ऊपर हमें ये क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी डल हो गई है। और इस तरीके की सेम हेडलाइट हमें यहाँ देखने को मिलती है। वो इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिप कंपनी ने डिग्गी के ऊपर इसकी ऐड कर दी गई है। और वहीं पर दोनों ही साइड इसमें हमें ब्लैक कलर की है क्लैडिंग टाइप, और इसके ऊपर क्रोम की स्ट्रिचिंग देखने को मिलती है। वहीं पे इसमें बम्पर पे दोनों ही तरफ हमें रिफ्लेक्टर भी कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं। और ये जो पीछे का बम्पर गार्ड लगाए ओरिजिनल कंपनी का ही इसमें लगवाया गया है ओनर के द्वारा। अब इसकी छत पर बात करें तो छत के ऊपर भी इस पर रूफ रेल्स कंपनी ने लगाई है, ताकि इसको एक SUV लुक और थोड़ी सी उसकी फीलिंग दी जा सके। और यहीं आप पीछे की तरफ देख रहे हैं तो इसके अंदर शार्क फिन एंटीना कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। वहीं हम इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो ये हमें सेम साइड उसी साइड की तरह क्रोम की लाइनिंग, ऊपर ये एसेसरी के तहत ये रेन बारिश से बचने के लिए इसके ऊपर ये फ्लैप लगाए गए हैं। वहीं कुछ इस तरीके का ये
इस साइड से हमें लुक देखने को मिलता है जो कि सेम उसी साइड की हमें याद दिलाता है, और ये हमें पावर ग्लास देखने को मिलता है जिसकी विड्थ काफ़ी अच्छी है, तो आपको पीछे का व्यू बहुत अच्छा है प्रोवाइड कर देगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की हमें इसकी की देखने को मिलती है जो कि रिमोट की है, जहाँ पर हमें लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन करने के लिए तीन बटन कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, और वहीं पर ही हमें फ्लिप की देखने को मिलती है जिसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इस गाड़ी के अंदर और मैं आपको इसके कुछ फीचर अंदर से दिखा देता हूं। तो सबसे पहले इसके डोर ट्रिम की बात करें तो हमें डुअल टोन के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर हमें ऊपर बीच कलर और नीचे की तरफ हमें ब्लैक कलर देखने को यहां पर मिलता है, जहां पर यहां कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं, ये टोटल प्लास्टिक में प्रोवाइड किया कंपनी ने, सॉफ्ट टच हमें प्रोवाइड नहीं किया है। और वहीं पर आप क्रोम में इसका डोर हैंडल और ये लॉक अनलॉक के लिए स्विच देख सकते हैं, और वहीं पर नीचे की तरफ हमें ये स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है जो कि इसमें 1, 2, 3 और 4 स्पीकर इसमें कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो अब हम बताते हैं इसके अंदर से इसके कुछ फीचर्स। अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें की लगा के दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर ये मैंने की लगा दी, तो कुछ इस तरीके से हमें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ हमें आरपीएम मीटर या स्पीडोमीटर जो कि हमें दोनों ही एनालॉग दिए गए हैं, यहीं पे हमें एरर की लाइट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दी गई लो कूलेंट की लाइट, ये बैटरी की लाइट, ये एबीएस और ये इंजन मॉल फंक्शन की लाइट हमें प्रोवाइड की है, और ये इंजन मोबिलाइजर की लाइट आप इस साइड देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें एक छोटी सी MID प्रोवाइड की है जिसके अंदर हमें ये दिखाता है यहाँ पर ओडोमीटर और ये किलोमीटर, वहीं पे ये छोटा सा जो इंडिसेस दिया गया इसको दबा के हम इसमें ट्रिप ए, ट्रिप बी और कुछ इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कितने टाइम कहाँ चला है। और यहाँ पर हमें डिजिटली फ्यूल मीटर दिया गया कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल अभी बचा हुआ है। वहीं हम इसके हैंडल बार की बात करें तो इसके अंदर इसके ऊपर भी हमें फंक्शनिंग मिल जाता है, जहाँ पे इस साइड हमें वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, म्यूट, और इस साइड हमें मोड और ये अप डाउन, जैसे कि ये चेंज कर सकते हैं आप ये डिस्प्ले के अंदर देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से चेंज होता है। और यहीं पर हमें ये एयरबैग, इसके अंदर हमें एक एयरबैग कंपनी प्रोवाइड करती है, बीच में हुंडई का लोगो, और यहाँ पर कुछ फंक्शनल बटन जैसे कि फ़ोन उठाने, काटने और ये वॉइस असिस्टेंट के लिए तीनों यूज़ किए जाते हैं। वहीं पे हैंडल हमें लेदर रैप देखने को मिलता है। जैसे हमने इसकी डोर की बात की तो इस पर कहीं भी आपको कंट्रोल नहीं दिखेंगे, इसके अंदर हमें कंट्रोल कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किए है, जहाँ पर ये फ्रंट रियर और पीछे रियर, इसमें चारों पावर विंडो देखने को मिलती हैं, आपको फ्रंट में नहीं मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रंट के कंट्रोल आप यहीं से कंट्रोल करेंगे, लेकिन पीछे आपको डोर पे मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्टोरेज हमें यहाँ देखने को मिलती है, वहीं पे कुछ थोड़ी बहुत स्टोरेज हमें यहाँ भी प्रोवाइड की है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोतल होल्डर, ये कप होल्डर हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें 5-speed मैनुअल का गियरबॉक्स कंपनी ने प्रोवाइड किया है, वहीं पे हैंड ब्रेक भी कंपनी ने मैनुअली हमें दिया है, और यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में कंपनी ने हमें आर्मरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया। वहीं और आगे की बात करें तो हम जैसे डैशबोर्ड देखते हैं तो ये भी हमें ब्लैक कलर में और प्लास्टिक में देखने को मिलता है, इसमें कहीं भी कंपनी ने सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया है। ये एसी वेंट कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके के जैसे मर्सिडीज AMG के अंदर आते कुछ इस तरीके की फिनिशिंग इसको देने की कोशिश की गई है। तो स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हमें थोड़ी सी स्टोरेज देखने को मिलती है, और ये हमें इसका ग्लव बॉक्स दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा डीप है, ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है लेकिन नॉर्मल वाला कंपनी ने हमें यहाँ प्रोवाइड किया है। वहीं नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ये USB का पोर्ट, और यहीं पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और इस साइड से हम बात करें तो यहाँ पर हमें जैसे CNG में है ये गाड़ी, तो CNG में आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है, तो CNG की हमें लेवलिंग यहाँ दिखाती है, ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और
जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। कुछ इस तरीके के फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जिससे राइट लेफ्ट मिरर अप डाउन। तो ये जैसे मैं इस पर करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब हम बात करें इसके एसी के फंक्शनिंग की, तो इसमें हमें प्रॉपर मैनुअल दिया है, इसके अंदर हमें कहीं भी कंपनी ने ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया है। ये फैन स्पीड, ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, और ये हवा की साइड से आएगी, ये उस चीज़ को बताता है। वहीं पे ये हमें एसी ऑन ऑफ करने के लिए, ये हवा अंदर बाहर के लिए, और ये हमें हैजार्ड स्विच जो कि टिक 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 ये करने लग जाएगी। वहीं पर हम इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो ये हमें 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ मीडिया ट्रैक, ये ट्यून सेट करने के लिए, वॉल्यूम के लिए। तो जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाई तो इस तरीके से इसकी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले हर चीज़ देखने को मिलती है। ये होम पे जाए, सेटिंग, ये देखिए साउंड, फोन रिजेक्शन, कस्टम डेट टाइम, और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है ओरो के हिसाब से। जैसे हमने टाटा के अंदर देखा था तो उसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा हल्का था, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ये डिस्प्ले ब्राइटनेस, यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं टच कर रहा हूँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स इसमें हमें देखने को मिलता है। ये रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो, आपको मिरर लिंक की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है, एप्पल कारप्ले, इमेज, वीडियो, म्यूज़िक। जैसे आप सेटिंग में जाते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, डेट टाइम, डिस्प्ले, फ़ोन, आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट ईजिली कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक कलर के अंदर ये पकड़ने के लिए कंपनी ने दिया है। दोनों ही साइड हमें यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसका स्पेस भी दिखा देता हूँ कि अब पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें किस तरीके का स्पेस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे वाली साइड से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे भी वही सेम हमें ऊपर बीच कलर और नीचे ब्लैक कलर, यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल ये पकड़ने के लिए, और जैसे मैंने बताया था आपको ये इस तरीके से ये हमें इस पे दिए हैं, लेकिन आगे की तरफ हमें कंट्रोल बीच में दिए हैं। पीछे का स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और वाइड सीट इसमें हमें दी है। तो अब मैं आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, इतना नी रूम मेरे को देखने को मिलता है, और वहीं पे नीचे की तरफ काफ़ी जगह है, तो इस तरीके से पूरे पैर चले जाते हैं। और आप थाई, अंडर थाई स्पोर्ट देख सकते हैं, तो बिल्कुल मेरे पैर तक आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मैनेजमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर व्हील बेस 2400 mm है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस इसमें दी। और मेरी हाइट है 5'8", तो आप देख सकते हैं 5'8" के हिसाब से दो आदमी इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं। वहीं पीछे से बात करें तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी हमें इसमें एयर वेंट देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ से आप अप डाउन को कर सकते हैं, और ये कुछ काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें हमें देखने को मिलता है। और पीछे से अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का व्यू हमें आता है। तो स्पेस मैनेजमेंट कंपनी ने काफ़ी अच्छी की है, और जो ORVM इसमें कंपनी ने दिया है वो हमें ऑटोमेटिक दिया है, ये मैनुअल नहीं है, डे टाइम इजीली कर सकता है। अब चलते हैं पीछे, मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ, और आपको इसके इंजन के और बोनेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो अब मैं इसका बूट ओपन कर दिया है, और मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा दूँ। तो ये हम ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके का इसमें बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है, जो कि इसमें कहीं भी आपको कहीं भी इसमें बूट स्पेस तो ना के बराबर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप छोटे मोटे जो बच्चे बैग टांगते हैं वही आप बैग रख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ बिना CNG सिलेंडर के इसके अंदर हमें मिलती है 235 लीटर की बूट स्पेस कंपनी ने यहाँ हमें प्रोवाइड कराई है। तो कुछ इस तरीके से हमें बूट स्पेस मिलती है। वहीं हम ऊपर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ ओरो की तरह कॉस्ट कटिंग ना करते हुए ये कवरिंग दे दी है, इंसुलेशन, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो हम इसको बंद करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोनेट और इंजन के बारे में बताता हूँ। तो अभी यहाँ से हम ऑन करते हैं इसके बोनेट को। तो ये हमने इसका बोनेट ऑन कर लिया,
एक सेकंड, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें इसमें इंजन साइज देखने को मिलता है। जहाँ पर यहाँ भी कंपनी ने, तो यहाँ कंपनी ने सामने बोनेट में हमें कोई इंसुलेशन नहीं दिया, ये खाली खोखा ही हमें इसमें देखने को मिलता है। वहीं इसके इंजन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का इंजन देखने को मिलता है जो कि हुंडई इसमें हमें प्रोवाइड करती है। ये 1100 सीसी का इंजन है, 1086 सीसी, जिसके अंदर हमें 58 BHP की पावर और 84 Nm का टॉर्क इसमें हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे ABS और EBD प्रोवाइड कराती है, जो कि आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। और काफ़ी बिजी साई कैबिन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे एमरॉन की कंपनी इसमें बैटरी प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरीके की ये स्पेसिफिकेशन बाइक में, गाड़ी हमें प्रोवाइड कराती है। तो ये थी हुंडई सेंट्रो, जिसको मैंने आपके आगे दिखाया। तो इस तरीके के स्पेसिफिकेशन और लुक के साथ हमें CNG में गाड़ी ये देखने को मिलती है। वहीं अब इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 6.5 से 7 लाख एक्स शोरूम के प्राइस में मिल जाती है, जो कि ऑन रोड 8.25 दिल्ली के अंदर आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। और वहीं हम इसकी वारंटी की बात करें तो इस पे स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी हमें 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की प्रोवाइड करती है, जिसको आप इजीली एक्सटेंड करा के और 1.5 लाख किलोमीटर तक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हुंडई सेंट्रो, वैसे तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन आप सेकंड हैंड मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको इजीली ये गाड़ी मिल जाएगी। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ गाड़ियों के बारे में देता रहूँगा। थैंक यू।